इस राशि के गणना औसत उपलब्धियों को 30.4 से विभाजित करके फिर उसे 30 दिनों से गुना करके की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 7,000 रुपया है तो उनका बोनस लगभग 6,908 रुपया होगा। लगातार 3 वर्षों तक एक वर्ष में कम से कम 240 दिन काम करने वाले आकस्मिक मजदूरों भी बोनस के लिए पात्र होंगे, जिसके गणना 1,200 रुपया प्रति माह के आधार पर की जाएगी। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस एड हॉक बोनस देने का ऐलान किया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों की पारिश्रमिक के बराबर यह बोनस मिलेगा। आदेश में कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों में समूह सी और समूह बी के गैर राजपत्रित कर्मचारी शामिल है जो किसी भी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना का हिस्सा नहीं है। बोनस की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपया निर्धारित की गई है। ये बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ साथ केंद्रीय सरकार के वेतन ढांचे के पालन करने वाले केंद्रीय शासित प्रदेशों का कर्मचारियों पर भी लागू होगा। बोनस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को 31 मार्च 2024 तक सेवा में होना चाहिए और वर्ष के दौरान कम से कम 4 महीने की निरंतर सेवा पूरे करने चाहिए। जिन कर्मचारियों ने पूरे 1 साल से कम समय तक सेवा की है उन्हें काम किए गए महीनों के संख्या के आधार पर अनुपातिक बोनस मिलेगा।